बारी महुआ पंचायत के मुखिया शमशाद अली के 5 वर्ष के कार्यकाल को ग्रामीण ने सबसे बेहतर बताया। ग्रामीणों ने कहा कि नल जल नाली गली इंदिरा आवास शौचालय वृद्धा पेंशन राशन कार्ड के ये सब विकास तो कोई मुखिया करेगा, लेकिन शमशाद मुखिया ने अपना 1 एकड़ जमीन दान कर लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए जहाँ कई गाँव की लड़कियाँ पढ़ती हैं। रायबरी महुआ पंचायत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। इसके लिए मुखिया ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को प्रस्ताव देकर अस्पताल बनवाने की मांग की है और जल्द ही अस्पताल बनने की तैयारी है। जी आप ये बताएं कि हमारे पंचायत में शमशाद अली ना सड़क बनवाए, ना शौचालय दिए, ना इंदिरा आवास दिए, ना वृद्धा पेंशन दिए, कुछ नहीं किए। यहाँ के जितने प्रतिनिधि लोग हैं उनका कहना है कि कुछ नहीं किए, मगर शमशाद अली ने जो किया है वो 8 गांव के लोग जानता है कि शमशाद अली ने क्या किया है। हमारे ग्राम पंचायत रायबरी महुआ में नूर गर्ल्स जो हाई स्कूल चलता है उसमें 1 एकड़ ज़मीन जो है उसने दान दिया है। अभी के कीमत अगर देखा जाए तो 1.25 करोड़ का जो है स्कूल में जो है ज़मीन दान में दिए हैं। 8 गांव के बच्ची आकर के इसमें पढ़ती है, ये नहीं कि सिर्फ मोहम्मदन के पढ़ती है, सब जातियों के लड़कियां उसमें पढ़ती है। हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ, कोई भी आदमी का तबीयत ख़राब होता है तो रामनगर जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है, कन्हा पर ले जाते हैं, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। तो शमशाद अली किए हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात करके हॉस्पिटल के लिए कहें कि आने वाला वक्त में यहाँ हॉस्पिटल किया जाएगा, बनेगा। और रह गया सवाल के और प्रतिनिधि जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने क्या किया है समाज के लिए, और हमारे गांव में आप मीडिया वाले हैं, हमारे गांव में आप किसी भी व्यक्ति से जा कर के पूछिए जो शमशाद जी ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, बताएगा आपसे ये शमशाद अली रायबरी अपनी उम्र 5 साल में मैंने क्या किया। मैं तो इसके पहले भी मुखिया बना था 2006 से 2011 तक, जो किया है मैंने सारी जनता जानती है। फिर बीच में मुझको 18 वर्ष सहारा दिया गया, फिर 2016 में जनता ने मुझको फिर दोबारा लाया। मैंने जो जनता के लिए किया है सभी जनता के सामने है, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, जो अधूरा रह गया उसको पूरा करने का हर मुमकिन कोशिश करूँगा। कि सुदूर इलाका है, बाढ़ क्षेत्र है, मसान नदी यहाँ काफ़ी तबाही मचाती है, बरसात के दिनों में इतना पानी हो जाता है कि कोई भी मरीज होता है वो यहाँ से रामनगर नहीं जा सकता है, ना भगहा जा सकता है, यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, बच्चियों की पढ़ने के लिए कोई अच्छा सुविधा नहीं था, जिसके लिए मैंने 1 एकड़ ज़मीन डोनेट करके दान देकर स्कूल लड़कियों का खुलवाया, जो हर क्षेत्र की बच्चियाँ हर वर्ग की बच्चियाँ उस पर पढ़ती हैं। आसवाल हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल के लिए श्री माननीय मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मिलकर मैंने एक आवेदन दिया और उस CS से उन्होंने बात किया, मैं कहा कि ज़मीन उपलब्ध कराइए, हम हॉस्पिटल वहाँ बनवाने के लिए एकदम तैयार हैं, हम ज़रूर बनवाएंगे। तो ज़मीन की भी उपलब्धता हो चुकी है और इलेक्शन बाद उम्मीद है कि हॉस्पिटल का भी कार्य शुरू हो जाएगा। जो बाहर लोगों को जाने में परेशानी होती है, कितने लोग तो रास्ता के चलते दम तोड़ देते हैं, अब मैंने कोई एहसान थोड़े किया है, एक अपना समझिए कि सोच अपना एक विचार था कि मैं जनता के लिए जो कर सकता हूँ करूँ, जो मेरे यादगार के लिए रहेगा, जनता ये सोचेगी कोई था जो गांव के लिए समाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि हर जनता का हर कुछ पूरा कर सकूँ, जाके जनता हमारा एक स्वच्छ पंचायत के रूप में कहलाए और उस के लिए मैं हर दृष्टि से संकल्पित हूँ कि मुझे जनता किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। मैं कोई अपना स्वार्थ के भावना से न मुखिया ही करता हूँ न कुछ करता हूँ, हमारा एक अपना विचार है, हर जनता हमसे खुश रहे, हर जनता के मैं काम आ सकूँ। आपके पंचायत पहले तो मेरा जो गांव है उसका नाम है राज रायबरी महुआ, और मेरे जो यहाँ पे मुखिया जी जो हैं शमशाद अली उनका नाम है, उनका कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा
और जो विकास होना चाहिए, जो आम आदमी से लेके आम आदमी को जरूरत है, वो सारी सुविधा जो है यहाँ पे दिए हैं वो, रोड नाली राशन कार्ड, यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन जो है वो भी सबको दिलवाए हैं। नल जल का क्या पोजीशन? नल जल जो है 14 वार्ड है यहाँ पे, 14 वार्ड में चल रहा है, कोई किसी का मतलब शिकायत नहीं है किसी चीज़ का, सब में पानी उपलब्ध है, जब भी लाइट आता है चालू हो जाती है। और सबसे बढ़िया जो काम है, सबसे जो बेहतर, ये बताएं बर्तन की मूड है यहाँ की? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की जनता आम आदमी हो या बड़े आदमी हो या गरीब आदमी हो या छोटे बच्चे हो, सब के सब एकदम शमशाद अली को चुनेंगे, उसमें सोचने और समझने की मतलब जरूरत नहीं है। बेतिया से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।